नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच बिहारियों की समस्या का साझा करने आया हूं और आशा करता हूं कि आप भी इस पर विचार जरूर करेंगे। पूरे देश भर में लॉकडाउन के बाद अलग अलग स्टेट में जो हमारे बिहारी भाई बहन फंसे हुए हैं, जिनके पास न रहने को घर है, ना ही खाने को खाना और ना ही कोई काम बचा है, वो घबराए नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने इसके लिए भी उपाय निकाला है, जिसके लिए हम बिहारी भारत सरकार और बिहार सरकार को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे बिहारी भाई बहनों के लिए सोचा। लेट से ये सोचा, लेकिन सोचा। लेकिन बिहार सरकार को अब समझ जाना चाहिए कि बिहारी मजदूर जरूर है, लेकिन मजबूर नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए कि बिहार में बेरोजगारी इतनी है कि बिहारियों का कोई स्थायी ठिकाना तक नहीं है, जबकि बिहार आबादी के मुताबिक तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और तो और, इसका साक्षरता दर 64% है, 64%, जिसने देश को मैक्सिमम IAS और IPS दिए हैं, जिसने देश को बड़े बड़े हस्तियों से रूबरू कराया है। ऐसे कई उदाहरण है बिहार का, इतिहास पलट के देख लो। मैं बिहारियों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग हिम्मत ना हारे, क्योंकि बिहारियों में जोश है, होश है, हौसलों से यारी है, दुख से दर्द से उबरने की बारी है, गर्व से शौर्य से बोलो तू बिहारी है, हाँ हम बिहारी हैं, पीछे का इतिहास देख लो, आगे की तैयारी है, हाँ हम बिहारी हैं। वैसे तो बिहार की पॉपुलेशन 123 मिलियन यानी कि 12.3 करोड़ है, जिसमें से 70% बिहारी अलग अलग स्टेट में जाकर काम करते हैं। और बिहारी मजदूर के साथ आज ये दुर्दशा क्यों? क्या हम भूल गए कि दिल्ली, मुंबई और नोएडा की हर गगनचुंबी इमारतें उनकी लहू से सिंचित है, पंजाब के हर फसल में उनके पसीने समाहित हैं, गुजरात की कोई फैक्ट्री उनके बिना नहीं चल सकती है, और जिन ईंटों से हमारा घर बना है वो ईंट के भट्टे उनके झुलसे हुए हाथों के प्रमाण है, उनकी आँखों के आंसू की एक एक बूंद के जिम्मेदार हम सब हैं। आज उनके पांव भले ही नंगे हैं, उनसे ज़्यादा नंगे हम सब हैं। एक दिन में 50,000 बिहारी माइग्रेंट कर रहे हैं एक स्टेट से, तो सोचो पूरे देश में कितने बिहारी होंगे जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब यह महामारी फैली तो सरकार जहाज़ भेजकर विदेशों से भारतीयों को ला रही थी, पर जो भारत देश में ही दूसरे राज्य में फंसे थे, उनके लिए सरकार ने पहले कुछ नहीं सोचा था। ये हो सकता है कि विदेश में थे, उनके पास पैसे थे, और हम बिहारी गरीब दो वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, ये बिहारी क्या आवाज़ उठाएंगे? अरे मालिक, सही सोचा आपने, क्योंकि सीधी सादी बोली अपनी, सीधे साधे लोग, लालच, झूठ और मक्कारी के हमको नहीं है रोग, अपने अंदर जिंदा रखा है हमने इंसान, हम है बिहारी, सारे जग में हम भारत की शान, मेहनत अपना दीन धर्म है, मेहनत है ईमान, मेहनत अपना दीन धर्म है, मेहनत है ईमान। फिर भी दूसरे स्टेट के लोग बिहारियों से अकड़ के बोलते हैं, उन्हें छोटे नज़रों से देखते हैं, ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम दूसरों के सामने खुद को चुप रखेंगे? बिहार सरकार को इस बात पर विचार विमर्श करना ही होगा, और बिहार में बेरोजगारी को हटाकर रोजगार बढ़ाना होगा। जब रोजगार बढ़ेगा तभी बिहारी अपने स्टेट में रहकर शान से काम करेंगे, और उन्हें यूँ बार बार पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग बिहारी और बिहार को छोटे नज़रों से देखते हैं, वो जो बिहारी को किसी लायक नहीं समझते हैं, उन्हें तब इस बात का एहसास होगा कि बिहारी नाम है उस इंसान का जो पक्का है अपने ईमान का। बस बिहारियों के लिए मैं इतना ही कहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ अगर कहीं कोई बिहारी या अदर स्टेट के लोग सड़कों पर दिखे तो उनकी सहायता करें, और सरकार का निर्देश का पालन करके लॉकडाउन को सफल करें, अपने घर में रहें, यही मौका है देशभक्ति दिखाने का। कहा जाता है बिहार में, जहाँ के लड़कन ना माने हार, वही तहा अपन बिहार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आओ कभी मेरे साथ, आओ कभी मेरे साथ, एक राज्य तुम्हें हम भी दिखाते हैं, जो कि IAS और IPS नामक नगर से भी जाने जाते हैं, जो कि IAS और IPS नामक नगर से भी जाने जाते हैं। इस राज्य की कुछ बातें तुम्हें याद दिलाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आर्यभट्ट भी इसी राज्य से आते हैं। ये वही राज्य है जो बिहार नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ के हर एक लोग बिहारी कहलाते हैं। अगर बात आ जाए देश में तो हर मिलेंगे, अगर बात आ जाए देश में तो हर मिलेंगे, लेकिन अगर बात आ जाए सम्मान में, सबसे पहले बिहारी है।